अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई साधारण गाय नहीं है। इस गाय के दूध से होगा राम मंदिर में श्रीराम की मूर्ति का अभिषेक और लोगों के लिए बनाया जाएगा प्रसाद। लेकिन इस काम के लिए इसी गाय को क्यों चुना गया? यह एक कामधेनु गाय है जिसने आज तक किसी भी बछड़े को जन्म नहीं दिया। इसके बाद भी यह लगातार 2 सालों से दूध दे रही है। इस गाय के मालिक अर्जुन पांडे एक दिन इस गैया को चारा डालने गए। उन्होंने देखा कि गाय के थन से दूध अपने आप टपक रहा था। उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि यह मात्र 2 साल की थी और इसने किसी बच्चे को भी जन्म नहीं दिया था। जैसे जैसे गाय के सिंह बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे शिवलिंग का आकार ले रहे थे। तभी अर्जुन समझ गए कि जरूर इस गाय में कोई न कोई बात है। उन्होंने ये गाय भोलेनाथ को समर्पित कर दी। कई लोगों ने लाखों रुपए देकर इस गाय को खरीदने की कोशिश की क्योंकि आज के समय में कामधेनु गाय बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अर्जुन ने साफ साफ मना कर दिया। तब से लेकर आज तक ये गाय सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर के आश्रम में रहती है और प्रतिदिन जो दूध देती है उसे पुजारी तुरंत शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। गाय को चांदी के मुकुट, पैरों में चांदी के कड़े, रुद्राक्ष की माला और लाल चादर इत्यादि से प्रतिदिन सजाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिख देना।